आज का हमारा सेशन आज के हमारे सेशन की हम बात करते हैं। सबसे पहले तो आज भी स्पेशल सेशन है ऑन एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फॉर कमिंग एग्जाम, इम्पोर्टेंट फॉर कमिंग एग्जाम। ठीक, तो सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, और आशा करते हैं कि आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। और सेशन की अगर मैं बात करूं तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, कुछ सेशंस एमसीक्यू बेस्ड होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें हमारे क्वेश्चन प्रश्न होते हैं और इसी के साथ कुछ ऑप्शंस दिए रहते हैं जिसका आपको आंसर बताना रहता है। और कुछ ऑप्शन, कुछ क्वेश्चंस हम कुछ इस तरीके से देखते हैं जिसमें हम एक सेकेंड जिसमें डायरेक्ट आंसर लिखना रहता है। तो आज भी कुछ सेशन इसी तरीके से है, वन वर्ड आंसर आप इसे कंसीडर कर सकते हैं, समझ सकते हैं। आरिफ खान जी गुड इवनिंग, शेखर दास जी नमस्कार और सभी को नमस्कार। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर क्वेश्चन का जो आंसर देना है वो रिप्लाई करना है चैट सेक्शन में। आप अपने अकॉर्डिंग आंसर दीजिएगा, अगर ऑप्शन नहीं है और कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जिसमें ऑप्शन की नीड है, तो आप जैसे मान लीजिए कुछ क्वेश्चन लास्ट सेशन में आए थे कि इनमें से कौन सा नहीं है, तो आपने स्कीम्स और सारी चीजें, रूल्स, लॉज, पॉलिसीज, प्रोग्राम्स जितने भी हैं सब पढ़े हुए हैं, तो उन बेसिस पर आप बता सकते हैं कि ये चीज इसमें नहीं होगी। तो सेशन को स्टार्ट करें, सभी पार्टिसिपेंट्स रेडी हैं सेशन स्टार्ट करने के लिए? नमस्कार राहुल सर, ठीक, एक बार चैट सेक्शन में अगर एक दो रिप्लाई यस आ जाते तो हम सेशन को स्टार्ट कर देते। ठीक, ओके, ठीक, स्टार्ट करेंगे सेशन को। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, टाइम अलाउड टू ड्रॉई टू एक्सेप्ट द बिल। जो ड्रॉई होते हैं, एक हम जानते हैं ड्रॉई होता है और एक ड्रॉअर होता है, तो जो ड्रॉई है बिल एक्सेप्ट करने के लिए उन्हें कितना टाइम दिया जाता है, कितना समय दिया जाता है, तो बताइए जल्दी से आप लोग आंसर क्या होना चाहिए, करेक्ट आंसर। थ्री मंथ, 30 days, ओके। तो दो ऑप्शन आ चुके हैं, एक 3 month है और एक 30 days है। क्या कोई और पार्टिसिपेंट कुछ और आंसर देना चाहते हैं, या लगभग सभी को इन्हीं दो ऑप्शन में कंफ्यूजन है? चेक वैलिडिटी 3 month, ओके, 3 month, सभी के लगभग आंसर 3 month आए हैं, तो हम करेक्ट आंसर देख लेते हैं। 48 hours excluding public holidays, मतलब कि 48 hours का टाइम रहता है ड्रॉई के पास बिल एक्सेप्ट करने के लिए, और इसमें पब्लिक हॉलीडेज अगर आ जाती हैं तो वो डेज माइनस कर दिए जाएंगे, तो लगभग 48 hours मतलब 2 days ही जाएगा। ओके, क्लियर हुआ सभी को? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। अच्छा, एक चीज और मैं ये बताना चाहूंगी कि आप लोग चाहें तो इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं रिवीजन पर्पस से, शॉर्ट नोट्स में, वैसे तो आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर ही दिया जाता है, बट एक पेज पर लगभग 30-32 क्वेश्चंस रहते हैं जो एक पेज पर भी आसानी से आ जाएंगे अगर आप शॉर्ट नोट्स में लिखेंगे तो रिवीजन और बेहतर तरीके से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इफ दिस ऑनर ऑफ अ बिल इज गॉट सर्टिफाइड फ्रॉम अ नोटरी पब्लिक नोटिंग सच सर्टिफिकेट इज कॉल्ड। अगर जो डिसऑनर है बिल का, उसे सर्टिफाइड कर दिया गया है नोटरी पब्लिक के द्वारा, नोटिंग के द्वारा, तो ऐसे सर्टिफिकेट को हम क्या कहते हैं? आज बहुत धीरे धीरे रिप्लाईज आ रहे हैं चैट सेक्शन में, आंसर्स शायद क्वेश्चंस की वजह से, या फिर एफिडेविट या फिर मेमो, ओके, मेमोरेंडम नहीं, मेमो, अच्छा, ओके, ठीक, देखते हैं हम करेक्ट आंसर क्या है। तो करेक्ट आंसर है प्रोटेस्ट, ऐसे सर्टिफिकेट को कहा जाता है प्रोटेस्ट। अगर जो बिल डिसऑनर हुआ है उसे सर्टिफाइड कर दिया गया है
नोटरी पब्लिक के द्वारा, तो ऐसे सर्टिफिकेट को हम कहते हैं प्रोटेस्ट। क्लियर हुआ सभी को? नोटिंग ही बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर प्रोटेस्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो डिसऑनर ऑफ अ बिल है, इसको सर्टिफाई कहाँ से किया गया? नोटरी पब्लिक से। इस वजह से ये जो हम पूरा सेंटेंस पढ़ रहे हैं, अगर पूरे वाक्य पर ध्यान दें, इस वजह से इस तरीके के सर्टिफिकेट को प्रोटेस्ट सर्टिफिकेट किया जाता है, और इसको सर्टिफाइड नोटरी पब्लिक के द्वारा किया जाता है, इसलिए यहाँ पर ब्रैकेट में नोटिंग लिखा हुआ है। ठीक, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में होता है। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। इफ अमाउंट रिटर्न इन वर्ड्स एंड फिगर्स डिफर, अमाउंट टू बी पेड एज पर। अगर जो अमाउंट है, बढ़िया इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, अगर अमाउंट वर्ड्स में लिखा हुआ है और जो फिगर है वो डिफर कर रहे हैं, मतलब कि फिगर कुछ और लिखे हुए हैं और वर्ड्स में जो है कुछ और लिखा हुआ है, तो अमाउंट किस बेसिस पर पे किया जाएगा? एज पर रिटर्न वर्ड्स पेमेंट। ओके, अमाउंट इन वर्ड्स। ओके ओके, ठीक, अमाउंट रिटर्न इन वर्ड्स, सभी के क्वेश्चन के आंसर करेक्ट हैं। तो इससे ये हम समझ सकते हैं कि पहले के जो दो क्वेश्चन थे वो थोड़े से कंफ्यूजिंग थे सभी के लिए, इस वजह से रिप्लाई नहीं आया। अभी ये वाले क्वेश्चन का आंसर सभी ने दिया है लगभग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंक्स में कंसिडर कलेक्टिंग अकाउंट पेइंग चेक्स टू द अकाउंट्स ऑफ द कस्टमर्स मेंबर्स ऑफ अ कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज अप टू एन अमाउंट ऑफ। जो बैंक है वो कंसिडर कर सकता है कलेक्टिंग अकाउंट पेइंग चेक टू द अकाउंट्स ऑफ द कस्टमर्स। जो अकाउंट पेइंग चेक्स हैं, कहां पर? यहां पर बात कर रहे हैं अकाउंट्स ऑफ कस्टमर्स या फिर कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज के मेंबर्स के लिए। कितने अमाउंट तक? अकाउंट पेइंग चेक्स की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। $50,000, ओके, $20,000 अबव। देखते हैं करेक्ट आंसर, नॉट एक्सीडिंग $50,000। ठीक, ठीक, तो ऐसे कंसीडर कर लीजिए जहां पर मतलब अभी आंसर कुछ 20,000 अबव भी आया है। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि जो राशि है, जो अमाउंट है, वो 50,000 से ज्यादा नहीं होगी। ठीक, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। इन केस ऑफ डेथ ऑफ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी द चेक साइन बाय द डायरेक्टर टू बी पेड और नॉट बिफोर हिज डेथ। देखिए यहाँ पर पूछा गया है, मान लीजिए जो कंपनी के डायरेक्टर हैं उनकी डेथ हो गई है और जो डायरेक्टर ने चेक्स साइन किए थे उन्हें पे किया जाएगा या नहीं? तो उनकी डेथ से पहले इन्होंने जो ये साइन किया गया था चेक्स इनके द्वारा, इससे पे किया जाएगा या नहीं? पे इन ड्यू कोर्स, पेड, पे इफ अदरवाइज इन ऑर्डर, पे चेक, यस पेड। ओके, पेड Paid, okay. Should be paid if otherwise in order, okay? ठीक, करेक्ट आंसर हम देखते हैं, टू बी पेड, पेड किया जाएगा। क्लियर हुआ सभी को? ओके, तो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई डायरेक्ट्स बैंक्स ऑन केवाईसी एएमएल एज पर विच एक्ट। आरबीआई बैंक को डायरेक्ट करती है, बैंक को बताती है, मतलब एक डायरेक्शन देती है केवाईसी एएमएल एज पर विच एक्ट, किस एक्ट के तहत, कौन से अधिनियम के तहत ये डायरेक्शन करती है? 35 एक्ट 35, ओके, अच्छा एक्ट 35 ऐसे कंसिडर किया गया। ठीक है, तो आप सभी का आंसर 35 ही आ रहा है, तो आंसर, लेकिन एक हाँ, कुछ आंसर यहाँ पर जो प्रॉपर आए हैं वो है 35A ऑफ बी आर एक्ट है ये।
सेक्शन 35A ऑफ बीआर एक्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर द कस्टमर इज अ कंपनी, जहां पर जो कस्टमर है वो कंपनी है, कंपनी कस्टमर है। द बेनिफिशियल ओनर इज द नेचुरल पर्सन, और बेनिफिशियल ओनर कौन होंगे? नेचुरल पर्सन हु मोर देन हाउ मच परसेंट ऑफ द शेयर और कैपिटल और प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि जो कंपनी है वो कस्टमर है, तो जो बेनिफिशियल ओनर होगा वो नेचुरल पर्सन ही होगा, तो वो कैसे कंसिडर किया जाएगा, उसका कितना परसेंट शेयर या कैपिटल होना चाहिए या फिर प्रॉफिट होना चाहिए ऑफ द कंपनी? 25%, 15%, 25%, 15%, 15%। तो अब यहां पर आंसर 25, 50, 15, 25, 25, 15, 15, तीन ऑप्शन आ गए हमारे पास आप लोगों की तरफ से, 25, 50 और 15। बताइए 100% कौन से आंसर पर श्योरिटी होनी चाहिए? 15%। ओके, देखते हैं, लेकिन 100% किसी ने भी नहीं बोला अभी तक। करेक्ट आंसर हम देखते हैं, श्योर, ओके, 25%। ठीक, तो 25% यहाँ पर जो नेचुरल पर्सन है या जो व्यक्ति है उनको 25% शेयर कैपिटल या प्रॉफिट ऑफ दी कंपनी ओन करना जरूरी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वेयर द कस्टमर इज अ पार्टनरशिप फर्म। अब यहाँ पर जो कस्टमर है वो कौन है, पार्टनरशिप फर्म है या फिर पर्सन का एसोसिएशन है, ट्रस्ट है। तो बेनिफिशियल ओनर जो होंगे नेचुरल पर्सन, तो अब यहाँ पर कितना परसेंट होगा? सेम क्वेश्चन है ये, तो पक्का 15%, राहुल सर कह रहे हैं ये पक्का 15% ही होगा। ओके, 15%, 15%। अभी इस क्वेश्चन, इससे पहले क्वेश्चन का आंसर जो 15% दे रहे थे, क्या उन्हें क्लियर हुआ कि कुछ शायद डाउट की वजह से ऐसा आंसर था? देखिए, कंपनी के केस में हमने पढ़ा 25%, और पार्टनरशिप फर्म होगा या फिर पर्सन का ट्रस्ट या एसोसिएशन है, तो यहां पर होगा 15%, लेकिन कंपनी में 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फुल फॉर्म ऑफ होगा ये, फुल फॉर्म ऑफ FATCA इज डैश एंड इज एप्लीकेबल फॉर विच कंट्रीज टैक्स पेयर। कौन सी कंपनी के कंट्री के टैक्स पेयर के लिए एप्लीकेबल है? वी ऑल क्लियर ऑन BGK? ओके, USA, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एंड USA। Foreign Account Tax Compliance Act, USA. This will be the correct answer. एक बार आप लोग ध्यान से हम लोग इसको रिवाइज कर लेते हैं दो तीन बार, लगभग हमको ये याद हो जाएगा। Foreign Account Tax Compliance Act, USA. जैसे कि हम USA पढ़ रहे हैं तो Foreign Account ही होगा यहाँ पर, Foreign Account Tax Compliance Act, USA. ठीक, क्लियर हुआ सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शेल बैंक मींस, शेल बैंक का मतलब क्या होता है? नो फिजिकल ब्रांच, डजंट एग्जिस्ट फिजिकली। ओके, नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, करेक्ट आंसर देखते हैं, नॉट फिजिकली। ओके, अ बैंक विच इज इनकॉर्पोरेटेड इन अ कंट्री वेयर इट हैज नो फिजिकल प्रेजेंस एंड इज अनएफिलिएटेड टू एनी रेगुलेटेड फाइनेंशियल ग्रुप। यहां पर बताया गया है कि ऐसी बैंक जो इनकॉर्पोरेटेड है कंट्री में, इसका कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं है और अनएफिलिएटेड है, ये मतलब इसे एफिलिएट नहीं किया गया है किसी भी रेगुलेटेड फाइनेंशियल ग्रुप के द्वारा। तो शेल
बैंक में तीन चीजें हैं, एक आप लोगों ने बताया कि फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, दूसरा है इनकॉर्पोरेटेड है कंट्री में, और तीसरा है रेगुलेटेड फाइनेंशियल ग्रुप के द्वारा अनएफिलिएटेड है, मतलब कि एफिलिएटेड नहीं है। ठीक, क्लियर हुआ सभी को? देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा फोर की एलिमेंट्स ऑफ केवाईसी पॉलिसी ऑफ बैंक्स आर, बैंक की जो केवाईसी पॉलिसी है उसके फोर की एलिमेंट्स कौन से हैं? ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर की एलिमेंट्स कौन से हैं केवाईसी पॉलिसी के बैंक में? एक्सेप्टेंस, आइडेंटिफिकेशन, रिस्क मॉनिटरिंग एंड मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, नो योर कस्टमर। ओके, ठीक, देखिए कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी, कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर्स, रिस्क मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। तो मेनली कस्टमर पे ही फोकस किया गया है, तो उन्हीं को लेकर फोर की एलिमेंट्स हैं जो आप लोग की तरफ से भी आंसर आए। तो सबसे पहली तो इनकी पॉलिसी है कि कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी, ये की एलिमेंट है, कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर, रिस्क मैनेजमेंट और मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। तो ट्रांजेक्शंस की मॉनिटरिंग की जाएगी, रिस्क मैनेजमेंट यहाँ पर है सीआईपी, कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर और कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी। देखिए जहां पर क्वेश्चन के मतलब एमसीक्यू बेस्ड पैटर्न होता है, एग्जाम का पैटर्न होता है, तो उसे याद करने का थोड़ा सा बस यही तरीका होता है कि दो तीन बार हम आंसर को देख लें, ताकि जब हम ऑप्शन को एग्जाम में देखें तो हमें ये चीजें क्लियर हों कि हाँ हमने ये पढ़ा हुआ है, ये नहीं पढ़ा हुआ है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। क्वेश्चन है, इन केस ऑफ अकाउंट ओपन यूजिंग ओटीपी बेस्ड केवाईसी, अकाउंट ओपन कैसे किए गए हैं ओटीपी बेस्ड केवाईसी पर, इन नॉन फेस टू फेस मोड आर सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशंस। नॉन फेस टू फेस मोड है यहाँ पर, तो कौन सी कंडीशंस यहाँ पर लगाई जाएंगी इन नॉन फेस टू फेस मोड? आंसर नहीं आ रहे, ठीक है, इसमें थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि आंसर प्लीज। ओके ओके, देखिए एग्रीगेट बैलेंस शैल नॉट एक्सीड रुपीज 1 लाख, ये कंडीशन होती है कि जो एग्रीगेट बैलेंस है वो 1 लाख से ज्यादा नहीं होगा, एग्रीगेट बैलेंस 1 लाख से ज्यादा नहीं होगा। कौन से केस में? जब ओटीपी बेस्ड केवाईसी यूज करते हुए नॉन फेस टू फेस मोड यहाँ पर है, यहाँ पर ये कंडीशन होगी। ठीक, देखिएगा अब सेकंड कंडीशन है, एग्रीगेट क्रेडिट्स इन अ फाइनेंशियल ईयर शैल नॉट एक्सीड रुपीज 2 लाख, और फाइनेंशियल ईयर में जो एग्रीगेट क्रेडिट है वो 2 लाख से ज्यादा नहीं होने चाहिए। थर्ड कंडीशन है, ओनली टर्म लोन्स कैन बी सैंक्शन विच शुड नॉट एक्सीड 60,000 इन अ ईयर, टर्म लोन ही सैंक्शन किए जाएंगे जो कि 60,000 से ज्यादा नहीं होने चाहिए वर्ष में। और लास्ट है, अकाउंट शैल नॉट बी अलाउड फॉर मोर देन 1 ईयर विद इन विच आइडेंटिफिकेशन हैज टू बी कैरीड आउट, जो अकाउंट्स हैं इन्हें 1 वर्ष से ज्यादा नहीं दिया जाएगा, अलाउ नहीं किया जाएगा, जिसमें आइडेंटिफिकेशन करना रहेगा। तो ये 4 कंडीशन है इनकेस ऑफ अकाउंट ओपन यूजिंग ओटीपी बेस्ड केवाईसी, एग्रीगेट बैलेंस 1 लाख से ज्यादा नहीं, फाइनेंशियल ईयर में 2 लाख से ज्यादा नहीं, टर्म लोन 60,000 रुपए, और इसी के साथ 1 साल से ज्यादा अकाउंट अलाउ नहीं किया जाएगा, और जिसमें आइडेंटिफिकेशन किया जाएगा। ठीक, क्लियर हुआ सभी को? आई थिंक मैंने 2-3 बार रिपीट कर दिया है तो आप सभी को याद भी हो गया होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ एन इंडिविजुअल कस्टमर, अब इंडिविजुअल कस्टमर का केस है, Who does not possess any of the OBDs, जिसके पास मतलब ये OBDs possess नहीं किया है, and desires to open a bank account, अब इन्हें bank account open करना है, banks shall open a small account
बैंक स्मॉल अकाउंट ओपन कर दे विच एंटेल्स द फॉलोइंग लिमिटेशंस, तो इसमें लिमिटेशंस क्या क्या होंगी ये पूछा गया है. देखिएगा आंसर हम देखते हैं, आप लोग भी अपनी तरफ से आंसर बताते जाइए, लगभग सेम ही जाएगा. 12 मंथ 40 और 12 मंथ मैक्सिमम 50 के बैलेंस, 1 लाख क्रेडिट इन अ ईयर, वैलिडिटी 1 ईयर, 12 मंथ 10,000. ओके, जो एग्रीगेट होगा सभी क्रेडिट का फाइनेंशियल ईयर में ये 1 लाख से ज्यादा नहीं होगा. एग्रीगेट जितना भी विड्रॉल और ट्रांसफर होगा मंथ में उसका भी एग्रीगेट 10,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए. तो ये भी आप लोगों ने जो आंसर दिया है ये कंडीशन लिमिटेशन भी करेक्ट है लिमिटेशंस में. और द बैलेंस एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम डज नॉट एक्सीड ₹50,000, और जो बैलेंस है वो 50,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए किसी भी स्थिति में. एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, जो एग्रीगेट है सभी क्रेडिट्स का फाइनेंशियल ईयर में वो 1 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए. विड्रॉल्स और ट्रांसफर का एग्रीगेट मंथ में ये भी 10,000 से ज्यादा नहीं हो, एंड जो बैलेंस है किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर 50,000 से ज्यादा नहीं होगा. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंक्स शुड कंडक्ट पीरियडिक रिव्यू ऑफ रिस्क कैटेगराइजेशन ऑफ अकाउंट, पीरियडिसिटी बीइंग एट लीस्ट वंस इन. इसका आंसर आप लोग दीजिएगा, बैंक पीरियडिक रिव्यू करे रिस्क कैटेगराइजेशन ऑफ अकाउंट्स का, जो पीरियोडिसिटी है वो एटलीस्ट एक बार में मतलब कितना होना चाहिए, 6 months perhaps. ओके, देखिए करेक्ट आंसर 6 months है, सही आंसर आप सभी का. Being at least once in 6 months. एक बार मैं ये रिपीट कर देती हूँ क्वेश्चन. देखिए 14 क्वेश्चन पर ही ध्यान दीजिएगा अभी. बैंक्स शुड कंडक्ट पीरियडिक रिव्यू ऑफ रिस्क कैटेगराइजेशन ऑफ अकाउंट्स, पीरियडिसिटी बीइंग एट लीस्ट वंस इन 6 months. नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ गए हैं, पीरियडिक अपडेशन ऑफ केवाईसी शैल बी कैरीड आउट एट लीस्ट वंस इन एवरी हाउ मच इयर्स फॉर हाई रिस्क कस्टमर्स, मीडियम रिस्क कस्टमर्स एंड फॉर लो रिस्क कस्टमर्स रिस्पेक्टिवली. तीनों का ही बताना है, 2, 8, 10. ओके, देखिए आप सभी का आंसर लगभग मतलब 2 भी आया है, हाई में 2 इयर्स, मीडियम में 8 इयर्स और लो में 10 इयर्स. ओके, करेक्ट आंसर हम देखते हैं तो 2, 8, 10 इयर्स. क्लियर हुआ सभी को? देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ गए हैं. क्वेश्चन है, अंडर केवाईसी गाइडलाइंस बैंक्स टू कीप रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन. केवाईसी गाइडलाइंस के तहत बैंक को सारे रिकॉर्ड रखने पड़ते हैं सभी ट्रांजेक्शन के, वाउचर्स और जो आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स हैं आफ्टर क्लोजर ऑफ अकाउंट फॉर एटलीस्ट व्हाट पीरियड ऑफ द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन और क्लोजर ऑफ अकाउंट. आंसर आप सभी के यहाँ पर आ रहे हैं 5 years. तो केवाईसी गाइडलाइंस के तहत बैंक रिकॉर्ड रखेगा सभी ट्रांजेक्शन और वाउचर्स की, और आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स होंगी अकाउंट क्लोजर के बाद. कितना पीरियड यहाँ पर बताया गया है डेट ऑफ ट्रांजेक्शन और क्लोजर ऑफ अकाउंट, तो देखिएगा 5 years यहाँ पर आंसर है, आप सभी का आंसर करेक्ट है. देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं. क्वेश्चन है, डोमेस्टिक वायर ट्रांसफर्स ऑफ रुपीस डैश एंड अबव शैल बी कंप्लेन्ड बाय ओरिजिनेटर इंफॉर्मेशन सच एज नेम, एड्रेस एंड अकाउंट नंबर. क्वेश्चन नंबर 17 होना था और यहाँ पर लिखा थोड़ा सा मिसप्रिंट है, टेक्निकली 67 लिखा हुआ है. यहाँ पर पूछा गया है जो डोमेस्टिक वायर ट्रांसफर ऑफ रुपीस अमाउंट पूछी गई है और अबव ये कंपेन की जाएगी ओरिजिनेटर इंफॉर्मेशन के द्वारा, जैसे कि नेम, एड्रेस और अकाउंट नंबर. देखिएगा करेक्ट आंसर हम देखते हैं, करेक्ट आंसर है 50,000. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन,
50,000, ओके 50,000 आंसर रहेगा. सीटीआर इज सबमिटेड टू विच एजेंसी बाय 15th ऑफ द सक्सीडिंग मंथ. सीटीआर सबमिट किया जाता है कौन सी एजेंसी को, 15th ऑफ द सक्सीडिंग मंथ पर, FIU. और बैंक आंसर है आप सभी का FIU, ओके FIUIND, ये है आंसर. देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा पढ़िएगा. अंडर KYC गाइडलाइंस बैंक्स टू कीप रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल ट्रांजैक्शंस, वाउचर्स एंड आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स आफ्टर क्लोजर ऑफ अकाउंट फॉर एटलीस्ट व्हाट पीरियड ऑफ द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन और क्लोजर ऑफ अकाउंट. फॉर एटलीस्ट, यहाँ पर हमने लगभग सिमिलर क्वेश्चन ही पढ़ा था और ये शायद रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसका आंसर 5 ईयर्स ही रहेगा. देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन. Politically exposed persons and HNIs are classified under which risk category? जो politically exposed व्यक्ति हैं और जो HNIs हैं, इन्हें कौन सी risk category में classified किया गया है? हाई, ठीक है. जब आंसर सभी को पता रहते हैं, यहाँ पर मुझे नाम पढ़ने में दिक्कत होने लगती है, इतने ज्यादा आंसर्स आने लगते हैं. अच्छी बात है, लगभग सभी के आंसर यहाँ पर आ रहे हैं, सारे ही क्वेश्चन के. करेक्ट आंसर है हाई रिस्क कस्टमर, जो आप सभी ने बताया है. देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं. क्वेश्चन है, अ माइनर एडमिटेड फॉर बेनिफिट इन अ पार्टनरशिप फर्म ऑन हिज अटेनिंग मेजोरिटी और व्हेन इट कम टू हिज नॉलेज व्हिचएवर इज लेटर शैल गिव पब्लिक नोटिस विद इन हाउ मेनी मंथ्स वेदर ही वॉन्ट्स टू बी अ पार्टनर इन द फर्म. 6 मंथ नेम लिया करो मैम. जी सर, बिल्कुल. आज कुछ पार्टिसिपेंट्स शायद से मुझे, मेरी तरफ से, मैं पहली बार देख रही हूँ, जैसे अजय सर हैं, दीपिका मैम हैं, मनीष सर हैं, शेखर सर हैं. शेखर सर शायद पहले भी अटेंड कर चुके हैं ये सेशन. बाकी तुनेश्वर जी, सोमदत्त जी, नितिन जी, आप सभी के आंसर लगभग आते रहते हैं. राहुल जी के, राजेश सर के, सभी के आंसर आते रहते हैं. ठीक, देखिएगा. तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर 6 मंथ. जो माइनर है वो एडमिट हुआ है पार्टनरशिप फर्म में, मेजोरिटी जब इसको मिल जाती है उस टाइम पर पूछा गया है कि ये पब्लिक नोटिस कितने महीने में देंगे कि इन्हें पार्टनर रहना है फर्म में, तो आंसर है 6 मंथ. नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स एज पर कंपनीज एक्ट 2013. कंपनी एक्ट 2013 के तहत मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कौन से कौन से? अरुण सिंह जी कुछ कह रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रही हूँ सर आपकी बात. बाकी सभी के आंसर यहाँ पर 50 आ रहे हैं, एक आंसर यहाँ पर 200 आया है और 50. देखिएगा करेक्ट आंसर, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कंपनीज एक्ट के तहत 2013 का जो अधिनियम है, एक्ट है, उसमें 50 है. ठीक, क्लियर हुआ सभी को? मोस्टली क्वेश्चन फॉर मिनिमम 2, ओके 200 फॉर प्राइवेट कंपनी, दीपिका जी का कहना है. ठीक है, इन सारी चीजों पे खैर मैं डिस्कस नहीं करूंगी क्योंकि ये फैक्ट्स हैं. हाँ, बस एक आप लोग की तरफ से ये इंफॉर्मेशन आती रहती है तो सभी के लिए यूजफुल है. और क्लियर हुआ सभी को, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कंपनीज एक्ट के तहत 2013 के तहत 50 है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अ कंपनी नॉट फॉर प्रॉफिट इज रजिस्टर्ड अंडर विच सेक्शन और कंपनीज एक्ट 2013. कंपनी प्रॉफिट के लिए रजिस्टर्ड नहीं हुई है, कौन से सेक्शन के तहत? कंपनीज एक्ट 2013, बताइएगा. देखिएगा आंसर, देखते हैं हम. करेक्ट आंसर है सेक्शन 8, ओके क्लियर हुआ सभी को? जी शेखर सर सही, करेक्ट है आपका आंसर सेक्शन 8. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर. अब आप लोग के आंसर शायद यहाँ पर कनेक्ट हो जाएंगे. मिनिमम और मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में? इज
200 मैक्सिमम, ओके, 2 and 200, ओके. देखिएगा करेक्ट आंसर 2 and 200, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन. मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कितने होंगे, इज 7 एंड अनलिमिटेड, ओके, 7 मिनिमम, मैक्सिमम नो लिमिट, 7 एंड नो लिमिट, ठीक है, 7 एंड नो अपर लिमिट, ठीक है, मिनिमम 7 होंगे. अजय सर का आंसर करेक्ट है, 7 मिनिमम है और जो मैक्सिमम है उनकी कोई भी लिमिट नहीं है, तो 7 एंड नो अपर लिमिट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट इज डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या है, देखिएगा. यहाँ पर थोड़ा सा वर्डिंग ज्यादा, इसलिए मैंने करेक्ट आंसर बता दिया है. Anybody dealing with a company is assumed to have knowledge of memorandum and articles of association. Constructive notice ka doctrine kehta hai ki koi bhi aisa vyakti jo company ke saath deal kar raha hai uske paas knowledge of memorandum aur articles of association ka hona sabse zyada zaruri hai. Theek, to have knowledge. Next question. Borrowing powers of a company arises from its dash and borrowing powers of directors are as per. जी अरुण सर, या आप एक मिनट दीजिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं फिर उस आंसर पर आते हैं कि ओनली मेमोरेंडम, ठीक है. Borrowing power किसी भी कंपनी की कहां से अराइज होती है और borrowing powers directors की RS पर पूछा गया है. करेक्ट आंसर देखिएगा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से बोरोइंग पावर्स मिलती हैं और कंपनी को, और जो बोरोइंग पावर्स डायरेक्टर्स की हैं वो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन से. ठीक, क्लियर हुआ. तो इससे आगे बढ़ने से पहले मैं 26 नंबर के क्वेश्चन पर जाऊंगी. देखिए, कंस्ट्रक्टिव नोटिस के डॉक्ट्राइन का मतलब क्या है, यहाँ पर यह पूछा गया है. तो कोई भी ऐसे व्यक्ति, तो इसलिए यहाँ पर सिर्फ हमने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग या जो मेमोरेंडम है उसे इंक्लूड नहीं किया है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को भी ऐड किया है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया, क्वेश्चन का आंसर ये है कि कोई भी व्यक्ति जो कंपनी के साथ डील कर रहा है उसके पास नॉलेज ऑफ मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होना जरूरी है. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 28. बस लगभग थोड़े से और क्वेश्चन रह गए हैं, बट ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है. क्वेश्चन देखकर कोई भी बिल्कुल भी ना घबराए, बस आंसर हमें दो यहाँ पर डैश लगे हुए हैं वहां पर बताने. स्मॉल कंपनी एज पर कंपनीज एक्ट अमेंडमेंट 2017 इज अ कंपनी अदर देन पब्लिक कंपनी विद पेड अप कैपिटल ऑफ विच डज नॉट एक्सीड 50 लाख रुपीज और सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब विच शैल नॉट बी मोर देन हाउ मच रुपीज. यहाँ पर पूछा गया है, स्मॉल कंपनी कंपनीज एक्ट अमेंडमेंट 2017 के तहत ऐसी कंपनी होगी अदर देन पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 50 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए और सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब, ये भी मोर देन कितना रुपीस नहीं होना चाहिए. टर्नओवर ऑफ विच एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर डज नॉट एक्सीड 2 करोड़ रुपीज और सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब विच शैल नॉट बी मोर देन 1 रुपीज. देखिएगा करेक्ट आंसर 10 करोड़ रुपीज यहाँ पर पहले में आएगा आंसर और सेकंड में आएगा 100 करोड़. ये फैक्ट है, इनको याद करना पड़ेगा आप सभी को. क्लियर हुआ सभी को. देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पेड अप कैपिटल ऑफ द 1 पर्सन कंपनी कैन नॉट एक्सीड रुपीज हाउ मच एंड इट्स एवरेज एनुअल टर्नओवर कैन नॉट एक्सीड रुपीज हाउ मच. जो पेड अप कैपिटल है एक व्यक्ति की कंपनी का वो कितना ज्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए और एवरेज एनुअल टर्नओवर भी कितना ज्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए.
एक आंसर यहाँ पर आया है, आंसर है 50 लाख और 2 करोड़। ओके करेक्ट आंसर देखते हैं, तो सही आंसर है मनीष सर आपका, 50 लाख रुपीज से ज्यादा पेड अप कैपिटल नहीं और 2 करोड़ से ज्यादा एवरेज एनुअल टर्नओवर नहीं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चार्ज टू बी फाइल्ड विद आरओसी विद इन हाउ मेनी डेज विच कैन बी एक्सटेंडेड टू हाउ मेनी डेज ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज बाय आरओसी विद पेमेंट ऑफ फीस। आरओसी के साथ जो चार्ज फाइल किया गया है कितने दिन के अंदर यहाँ पर किया जाएगा, और उसके बाद पूछा गया है विच कैन बी एक्सटेंडेड और कितने दिन तक इसे एक्सटेंड किया जा सकता है क्रिएशन ऑफ चार्ज के लिए बाय आरओसी विद पेमेंट ऑफ फीस। देखते हैं आंसर आप सभी के लगभग आ चुके हैं, 30 डेज करेक्ट आंसर हम देखते हैं, 30 डेज और 60 डेज है। ठीक, विद इन हाउ मेनी डेज विच कैन बी एक्सटेंडेड टू 30 डेज ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज, नहीं एक सेकंड, चार्ज टू बी फाइल्ड विद आरओसी विद इन 30 डेज विच कैन बी एक्सटेंडेड टू 60 डेज ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज बाय आरओसी विद पेमेंट ऑफ फीस। ठीक, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ गए हैं, आफ्टर 60 डेज, 60 डेज के बाद आरओसी में अलाउ रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज टू बी मेड विद इन अ फर्दर पीरियड ऑफ हाउ मेनी डेज ऑन पेमेंट ऑफ एड वैलोरम फी, दस आफ्टर हाउ मेनी डेज क्रिएशन मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज शैल नॉट बी रजिस्टर्ड। सिक्सटी डेज के बाद आरओसी अलाउ करेगा रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज विद इन अ फर्दर पीरियड ऑफ कितने डेज में ऑन पेमेंट ऑफ एड वैलोरम फीस, दस आफ्टर हाउ मेनी डेज जो क्रिएशन और मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज है वो रजिस्टर्ड नहीं किया जाएगा। करेक्ट आंसर है 60 डेज और 120 डेज। हमने 60 डेज से स्टार्ट किया तो आफ्टर 60 डेज फिर से 60 डेज और लास्ट में जाएगा 120 डेज। तो अजय सर का आंसर 30 डेज 60 डेज 30 डेज नहीं सर, पहले आएगा 60 डेज और उसके बाद हम 120 डेज। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, बैंक्स कैन पे डिफरेंशियल इंटरेस्ट ऑन एसबी डिपॉजिट्स अबव हाउ मच रुपीस, बैंक डिफरेंशियल इंटरेस्ट पे कर सकते हैं एसबी डिपॉजिट्स पर अबव कितना रुपीस यहां पर होगा। क्वेश्चन का थोड़ा सा लेवल बढ़ चुका है और पार्टिसिपेंट्स यहां पर आंसर देना बंद कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है, भले ही आप लोग आंसर ना दें बट सेशन को लास्ट तक देखें ताकि आपको बहुत जो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है ये आप तक जा सके। ठीक, तो अबव 1 लाख आपका आंसर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है 1 लाख रुपीज यहाँ पर होगा, बैंक कैन पे डिफरेंशियल इंटरेस्ट ऑन एसबी डिपॉजिट्स अबव रुपीज 1 लाख, शो हो गया जी सर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ विड्रॉल्स इन बीएसबीडीए अकाउंट इज, मैक्सिमम नंबर ऑफ विड्रॉल्स पूछा गया है बीएसबीडीए अकाउंट में कितना होगा। सुमदत्त जी का आंसर आया है 4, अरुण सर का 4, दीपिका मैम का 4, ठीक है सभी का आंसर 4 आ रहा है, तो आंसर है 4 पर मंथ। ओके 4 और मैक्सिमम 10,000 अजय सर का आंसर है। ओके ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इफ अ कस्टमर इज हैविंग एनी अदर सेविंग्स अकाउंट इन दैट बैंक, अगर कस्टमर का कोई और सेविंग अकाउंट है बैंक में, ही शी विल बी रिक्वायर्ड टू क्लोज इट Within how many days from the date of opening of BSBD account? तो कितने टाइम में इन्हें उन अकाउंट को क्लोज करना पड़ेगा जब BSBD account ओपन करा लेंगे, तो 30 डेज आप सभी का आंसर आ रहा है, करेक्ट आंसर है 30 डेज। ठीक है, दीपिका मैम का आंसर आया 1 month, ओके 30 डेज आंसर है, करेक्ट आंसर है आप सभी का। बल्क डिपॉजिट का मतलब क्या होता है ये पूछा गया है, बल्क डिपॉजिट मीन्स करोड़ एंड अबव, सिंगल डिपॉजिट ऑफ रुपीज 2 करोड़ एंड अबव, करेक्ट आंसर है सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं, एज पर सेक्शन 269(t) ऑफ आईटी एक्ट, सेक्शन 269(t) आईटी एक्ट के तहत प्रिंसिपल या फिर इंटरेस्ट ऑफ टर्म डिपॉजिट अमाउंटिंग हाउ मच शुड नॉट बी पेड इन कैश,
कितना कैश में पे नहीं किया जाएगा, ये पूछा गया है। आंसर बताइए आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में। तो चैट सेक्शन में आंसर आ चुके हैं आप सभी के, और आंसर अगर हम देखें तो 20,000 एंड अबव, ओके 20K एंड अबव, 20,000 करेक्ट आंसर। देखते हैं करेक्ट आंसर है 20,000 एंड अबव, कैश नॉट एग्जिस्ट। जी राजेश सर करेक्ट आंसर है आपका। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट ऑफ रुपीज हाउ मच शुड नॉट बी पेड इन कैश। जो पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट है डिपॉजिट के टाइम पर, कितने रुपीज के डिपॉजिट पर कैश में नहीं पे किया जाएगा। तो करेक्ट आंसर है इधर पर 10,000 एंड अबव, ओके। तो इंटरेस्ट के लिए 10,000, और यहाँ पर हमने देखा प्रिंसिपल या इंटरेस्ट ऑफ टर्म डिपॉजिट में अमाउंटिंग टू रुपीज 20,000, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इफ डिपॉजिटर डाइज आफ्टर मैच्योरिटी ऑफ टर्म डिपॉजिट, अगर डिपॉजिटर की डेथ हो जाती है मैच्योरिटी ऑफ टर्म डिपॉजिट के बाद, तो जो इंटरेस्ट है फॉर ओवरड्यू पीरियड एट द रेट ऑफ कितना पे किया जाए, मतलब कितने रेट पर पे किया जाएगा, ये पूछा गया है क्वेश्चन में। सेविंग रेट, ओके करेक्ट आंसर है सेविंग रेट, सभी का आंसर करेक्ट है। देखिए जहां पर आप सभी के आंसर करेक्ट आ रहे हैं उस पर हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बस कुछ क्वेश्चन और रह गए हैं हमारे, और यहाँ पर आंसर आ चुका है। तो ये थोड़ा सा वर्डिंग में है इसलिए हम देख लेते हैं, अगर डिपॉजिटर की मृत्यु हो जाती है मैच्योरिटी ऑफ टर्म डिपॉजिट के पहले, तो इंटरेस्ट जो ओवरड्यू पीरियड का होगा वो कितने रेट पर होगा, एट द रेट ऑफ पीरियड एट द रेट ऑफ। तो देखिएगा ओवरड्यू पीरियड एट द रेट ऑफ एफडी रेट एज ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी, जो एफडी रेट होगा वो क्या रहेगा, जो मैच्योरिटी की डेट पर था, फॉर द पीरियड द ओवरड्यू अमाउंट रिमेन विद बैंक। और ये जो एफडी रेट डेट ऑफ मैच्योरिटी पे, म्यूट कर लीजिएगा प्लीज। तो जो एफडी रेट होगा वो होगा एज ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी, कौन से पीरियड के लिए, ओवरड्यू अमाउंट जो रिमेन्ड है विथ बैंक, रिमेन्ड विथ बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बैंक कैन रिफ्यूज प्री मैच्योर विड्रॉल ऑफ टर्म डिपॉजिट इन रिस्पेक्ट ऑफ डिपॉजिट ऑफ रुपीज, बैंक क्या कर सकते हैं, बैंक रिफ्यूज कर सकते हैं प्री मैच्योर विड्रॉल टर्म डिपॉजिट का इन रिस्पेक्ट ऑफ डिपॉजिट ऑफ रुपीज, कितना डिपॉजिट ऑफ रुपीज होगा, 20 लाख। करेक्ट आंसर है 15 लाख एंड अबव। ठीक करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रोल पेबल बाय बैंक्स टू डिपॉजिटर्स ऑफ अनक्लेम डिपॉजिट ट्रांसफर टू डेथ, ROI होगा शायद से, ROI पेबल बाय बैंक टू डिपॉजिटर्स, तो ये होगा 3% पर एनम। ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ डेफ एंड व्हेन इट वाज फॉर्मुलेटेड, डेफ का फुल फॉर्म क्या है और इसे कब फॉर्मुलेट किया गया था, बताइएगा जरा। डिपॉजिट फॉर एजुकेशन अवेयरनेस फंड, ओके, और इसे फॉर्मुलेट कब किया गया दीपिका मैम, नो आइडिया, ओके नो प्रॉब्लम, आपका एक आंसर आया है। देखते हैं करेक्ट आंसर क्या है, डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड स्कीम है 2014 की। यहाँ पर बीच में देखिएगा वर्ड्स को ध्यान से, डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड स्कीम 2014, एक बार फिर से मैं रिपीट करती हूँ, डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड स्कीम 2014। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रिलेशनशिप बिटवीन अ बैंक एंड अ पेई ऑफ अ ड्राफ्ट इज, बैंक और पेई ऑफ अ ड्राफ्ट के बीच का रिलेशनशिप क्या होता है, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ट्रस्टी और बेनिफिशियरी का, बेनिफिशियरी का, ट्रस्टी एंड बेनिफिशियरी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलेशनशिप बिटवीन बैंक एंड इशूअर ऑफ अ ड्राफ्ट,
डेप्टर एंड क्रेडिटर, इश्यूअर ऑफ अ ड्राफ्ट के टाइम पर डेप्टर और क्रेडिटर का रहेगा, और बैंक और पे ऑफ अ ड्राफ्ट के टाइम पर ट्रस्टी और बेनिफिशियरी का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलेशनशिप बिटवीन बैंक एंड आरबीआई इन केस ऑफ मेंटेनेंस ऑफ करेंसी। देखिएगा करेक्ट आंसर है इधर पर होगा एजेंट और एंड प्रिंसिपल का, एजेंट एंड प्रिंसिपल का यहाँ पर एक आंसर आया था शायद से एजेंट और प्रिंसिपल को लेकर जी। तो एजेंट और प्रिंसिपल का रहेगा मेंटेनेंस ऑफ करेंसी चेस्ट के टाइम पर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ परचेस ऑफ चेक फ्रॉम कस्टमर एंड द रिलेशनशिप बिटवीन बैंक एंड कस्टमर इज, परचेस ऑफ चेक के टाइम पर कस्टमर से जो बैंक और कस्टमर के बीच का रिलेशनशिप क्या होगा। देखिएगा करेक्ट आंसर होल्डर फॉर वैल्यू एंड एंडोर्सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बैंक इज रिक्वायर्ड नॉट टू डिस्क्लोज अफेयर्स ऑफ अ कस्टमर्स एज पर विच एक्ट। बैंक कस्टमर्स के अफेयर्स डिस्क्लोज नहीं कर सकता है कौन से एक्ट के तहत। सेक्शन कौन सा है ये आप लोग बताना चाहेंगे। देखिए सेक्शन 13 ऑफ बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग एक्ट के तहत। ठीक, क्लियर हुआ सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिक्लेरेशन फ्रॉम बोरोअर that the securities offered to bank are free from encumbrance and borrower will not create charge over these securities without permission of bank is called। क्या कहा जाता है जो declaration है borrower की तरफ से कि जो securities bank को offered की गई हैं ये encumbrance से free हैं और borrower charge create नहीं करेंगे इन securities पे bank की permission के बिना। negative lien, okay, correct answer है आप सभी का निगेटिव लियन। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें आपको येस और नो बताना है। ठीक, तो जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा इसके बाद इसमें थोड़ा सा सेंटेंस है, इसलिए मैं चाहूंगी कि इस वाले क्वेश्चन पर क्वेश्चन नंबर 49 में सभी पार्टिसिपेंट आंसर जरूर करें। चेक सेंड फॉर कलेक्शन बट नॉट येट रियलाइज, चेक कलेक्शन के लिए भेजे गए हैं लेकिन अभी तक रियलाइज नहीं हुए। वेदर गार्निशी ऑर्डर विल बी एप्लीकेबल ऑन चेक अमाउंट, गार्निशी ऑर्डर एप्लीकेबल होगा क्या चेक अमाउंट पर। नो, ओके, सभी के आंसर लगभग नो आ रहे हैं 29 पार्टिसिपेंट्स में और आई थिंक सभी आंसर यहां पर करेंगे। ठीक, तो करेक्ट आंसर है नो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन है मैक्सिमम फी रेट फॉर लॉजिंग कंप्लेंट बाय अ कस्टमर विद विथ बैंकिंग ओम्बड्समैन इज, तो आंसर है 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ रिप्लाई फ्रॉम बैंक एंड इफ नो रिप्लाई रिसीव्ड 13 months फ्रॉम द डेट ऑफ मेकिंग कंप्लेंट टू बैंक। ठीक, जो मैक्सिमम फी रेट है कंप्लेंट लॉज करने के लिए कस्टमर के द्वारा विद बैंकिंग ओम्बड्समैन तो वो 1 year की है डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ रिप्लाई फ्रॉम बैंक, और अगर कोई भी रिप्लाई रिसीव नहीं होता है तो 13 months फ्रॉम द डेट ऑफ मेकिंग कंप्लेंट टू बैंक। तो इसी के साथ आज का हमारा सेशन यहाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट सेशन के लिए मैं आपको बताना चाहूंगी कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम पर ये सेशन होने वाला है हर्षिता मैम के द्वारा, तो नेक्स्ट सेशन मैम लेने वाली हैं। ये हमारा मैडम, मैडम मैडम हाँ जी सर बोलिए सर। मैडम ये पीडीएफ के सार को रखने के लिए बोलिए मैडम, हमारे एसबीआई के 19th का एग्जाम है, 2 दिन बाकी है मैडम। अच्छा अच्छा जी सर।
ओके सर, मैं बिल्कुल मैं सर को इन्फॉर्म कर दूंगी और अभी ये पीडीएफ भी आप मैडम इमीडिएटली अभी रख दिया तो ये रिपीट ये क्वेश्चन तो बहुत आएगा मैडम अभी एग्जाम में। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, ये आपको पीडीएफ शेयर कर दी जाएगी, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें और बेस्ट ऑफ लक, आपका एग्जाम है, थैंक यू मैडम, थैंक यू, सभी को बेस्ट ऑफ लक। और सेशन यही ये सभी आएगा एग्जाम में, तो देखिएगा सभी लोग इसे ध्यान से पढ़िएगा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आई थिंक मेरी तरफ से भी मैंने आपको काफी अच्छे से रिवाइज करा दिए हैं, बट स्टिल आप लोग एक दो बार और रिविजन कर लेंगे तो आपको काफी अच्छे से याद हो जाएगा। इसी के साथ आज का हमारा सेशन यही एंड होता है और आज का शुभ विचार है, बार बार असफल होने पर भी उत्साह ना खोना ही आपको सफल बनाता है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और शुभ रात्रि। अब नेक्स्ट सेशन कंटिन्यू रखने के लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगी हर्षिता मैम को। हर्षिता मैम आ जाइए और आप कंटिन्यू करिए सेशन को। थैंक यू श्वेता मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू सो मच।